हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप तो सब बढ़िया होंगे। तो चैप्टर नंबर वन कर रहे थे हम। हाँ जी, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर का नाम है क्या? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है जी, इसमें कुछ एरियाज हमने देखे थे। कह सकता हूँ मैं कि आधा चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी तक जितने हमने एरियाज देखे तो वो लगभग 50% हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। 50% अभी बचा है। थोड़ा बड़ा चैप्टर जरूर है, लेकिन बेसिक चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इसमें अभी तक हमने स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग ऐसे कौन सा देखा जी? ऐसे 200 देखा। 200 का नाम बताइए। ओवरऑल सब लिखेंगे साथ साथ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है जी, तो ये स्टैंडर्ड ये ऐसे हमने कवर कर दिया। दो ही चीजें देखी थी वैसे इसके अंदर हमने। क्या देखा था? एक तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट देखा था, और एक हमने इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट देखा था। बाकी देखेंगे आगे कहीं इसका यूज होता है या नहीं होता है। तो आज हम मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसे का और नाम सीखेंगे। तो आइए जी, टॉपिक का नाम है हमारे पास एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस एरिया को, वेरी इंपॉर्टेंट। सर एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन इस एरिया में से कंफर्म है। मतलब जो अभी तक मैंने आपको आधा पार्ट कराया है उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, और जो अब हम आधा पार्ट कर रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है। मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर में से इंस्टीट्यूट दो क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है। अगर दो नहीं पूछता है, एक क्वेश्चन पूछेगा, तो सर इस वाले एरिया में जो अब मैं कराने जा रहा हूं, इस एरिया में से क्वेश्चन आने की चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। आओ जी, तो ये क्या है? एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सर क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम, उसके क्या क्या एलिमेंट्स है? डिटेल में डिस्कशन होगी इसकी। पहले तो मुझे बताओ सर, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? क्वालिटी कंट्रोल का मतलब हुआ कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाइल डूइंग द ऑडिट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाइल डूइंग द ऑडिट क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखे, अपने ऑडिट की क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखे, इसके लिए उन्हें एक सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर एक सीए फर्म है, कोई बड़ी सीए फर्म है, जैसे बिग फोर्स वगैरह, बिग फोर समझते हो, जो टॉप फोर सीए फर्म्स है इस समय, दैट इज ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी एंड डेलॉयट। ये जो टॉप फोर सीए फर्म्स है, इन्होंने क्या बना रखा है? इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बना रखा है। मतलब अपने ऑडिटर्स की क्वालिटी को या ऑडिट की क्वालिटी को मेंटेन करने का एक सिस्टम तैयार कर रखा है, जिसको उनके ऑडिटर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि टॉप फोर सीए फर्म्स ने बना रखा है, हर कोई, मोस्टली हर कोई सीए फर्म बनाती है, छोटी छोटी सीए फर्म बस ये क्या होता है कि रिटर्न फॉर्म में नहीं बनाती, लेकिन जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है वो इसको रिटर्न फॉर्म में रख लेती है। सर इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट उस फर्म में काम कर रहा है या उस फर्म के बिहाफ पे ऑडिट करके आ रहा है, तो वो इस सिस्टम को फॉलो करके चलेगा, सो दैट क्वालिटी ऑफ ऑडिट कैन बी एंश्योर्ड। तो वो क्या कहता है? वो कहता है द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। वो कह रहा है कि फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम में कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। सर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाए हैं, और वो कहता है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में ये चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। क्या क्या चीजें? पहला पॉइंट, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। ठीक है जी, वो कह रहा है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन किया जाएगा, कौन इसकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेगा। एथिकल रिक्वायरमेंट्स, कि क्या क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स है दैट नीड टू बी फुलफिल्ड। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, कि भाई कैसे क्लाइंट के असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया जाए, कैसे उसको कंटिन्यू किया जाए, और किसी भी स्पेसिफिक एंगेजमेंट को, एंगेजमेंट मतलब होता है असाइनमेंट,
एंगेजमेंट का मतलब हो गया यहां पर असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब कोई काम, कि किस तरीके से हम काम को एक्सेप्ट करें, किस तरीके से काम को कंटिन्यू करके चले और कैसे उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके चले। ह्यूमन रिसोर्स, कि भाई जो भी आप टीम लेके जा रहे हो उसको किस तरीके से कंट्रोल करके चलना है, मैनेज करके चलना है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कि भाई आप जो ऑडिट करके आ रहे हो उसकी कैसी, किस टाइप की परफॉर्मेंस है, कैसी आप परफॉर्मेंस देके आ रहे हो वहां पर। और लास्ट इज योर मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब कि जो भी आप अपनी टीम से काम करवा रहे हो उसको टाइमली रिव्यू करते रहो, उसको टाइमली मॉनिटर करते रहो। तो ये सब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होते हैं, ये लर्न करने आपको। पहला इज योर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। दूसरा इज एथिकल रिक्वायरमेंट्स। थर्ड इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो सर लिखोगे क्या, LEAHEM, LEAHEM। ठीक है जी। अब वो देखो निमोनिक का आप अपने अपने हिसाब से बना सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पॉइंट को, हर एक एलिमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे सामने आता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। कि सर ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कहता है एज पर ऐसे दोस्तों जिसका नाम क्या है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऐसे लर्न करना आपको नाम, ऐसे 220, ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर शेल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट टू विच द पार्टनर इज असाइंड। सर एंगेजमेंट पार्टनर क्या होता है, नीचे देखो डेफिनेशन। एंगेजमेंट पार्टनर कौन हुआ, ध्यान से समझो। वो कहता है एंगेजमेंट पार्टनर रेफर्स टू द पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट एंगेजमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंस एंड फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इज इश्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड हु वेयर रिक्वायर्ड हैज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फ्रॉम अ प्रोफेशनल लीगल और रेगुलेटरी बॉडी। देखो जी, वो कहता है एंगेजमेंट पार्टनर सीए फर्म का वो पर्सन है जो कि ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जो कि ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उस एंगेजमेंट, उस ऑडिट एंगेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसकी परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और उस पे जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करी है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक सीए फर्म है एक्स वाई जेड एन कंपनी, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है एक्स वाई जेड एन कंपनी, इसमें मान लो तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड। ठीक है जी, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड का ऑडिट होना है, एबीसी लिमिटेड का ऑडिट होना है। मुझे बताओ, देखो लॉजिकली सोचना, अभी मैंने आपको कंपनी ऑडिट नहीं पढ़ा, फिर भी आप लॉजिक से सोचना। एबीसी लिमिटेड जब अपने ऑडिटर को अपॉइंट करेगी तो क्या वो एक्स वाई जेड मतलब किसी पर्सन को अपॉइंट करेगी या पूरी फर्म को अपॉइंट करेगी। सोच के बताओ कि जब एबीसी लिमिटेड अगर ऑडिटर को अपॉइंट करना चाह रही है तो वो क्या किसी इंडिविजुअल पर्सन को अपॉइंट करेगी या पूरी फर्म को अपॉइंट करेगी। सर आंसर इज वो पूरी फर्म को अपॉइंट करेगी। वो कहेगी कि भैया एबीसी लिमिटेड क्या बोलेगी, एबीसी लिमिटेड बोलेगी कि मेरा ऑडिट एक्स वाई जेड एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस सीए फर्म ने किया, कि मेरा ऑडिट एक्स वाई जेड एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस सीए फर्म ने किया है। अब उसके अंदर अलग अलग पार्टनर्स है, उसके अंदर अलग अलग पार्टनर्स है। मान लो एक्स वाई जेड एंड कंपनी के बिहाफ पर एक्स गया एबीसी लिमिटेड का ऑडिट करने, एक्स वाई जेड एंड कंपनी के बिहाफ पर कौन गया, एक्स गया एबीसी लिमिटेड का ऑडिट करने, तो सर एबीसी लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे, एंगेजमेंट पार्टनर बोलेंगे। सॉरी एक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्स को बोलेंगे हम एंगेजमेंट पार्टनर। पॉइंट समझ में आया कि सर एबीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड एंड कंपनी को अपना ऑडिटर अपॉइंट किया, पूरी फर्म को ऑडिटर अपॉइंट किया और फिर वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसको ऑडिट पे भेजती है। फॉर एग्जाम्पल कम फर्म ने एक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई इस फर्म का, इस कंपनी का ऑडिट आपको करना है, तो सर एक्स क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा एंगेजमेंट पार्टनर। अब डेफिनेशन पढ़ो, वो कहता है एंगेजमेंट पार्टनर रेफर्स टू द पार्टनर और अदर पर्सन इन द फर्म हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। सर एबीसी लिमिटेड के ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्स रिस्पॉन्सिबल है। एबीसी लिमिटेड की ऑडिट की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक्स रिस्पॉन्सिबल है। और सर एबीसी लिमिटेड के ऑडिट की रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है,
एक्स रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सर एक्स ने ही सारा काम किया है, भले ही रिपोर्ट वो एक्स वाई जेड कंपनी के बिहाफ पे दे रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है जी, एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपना सीए क्वालिफाई किया था मैंने, तो मैंने एक सीए फॉर्म में जहां मैंने आर्टिकलशिप करी थी वहां पर मैंने कुछ टाइम के लिए काम किया था, तो उन्होंने मेरे को एक कंपनी का ऑडिट दिया, बड़ी फेमस कंपनी है सर ब्रिटानिया, ब्रिटानिया का ऑडिट दिया। तो सर ब्रिटानिया का मैंने ऑडिट कंडक्ट किया लेकिन अपनी सीए फॉर्म के बिहाफ पे, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं उस सीए फॉर्म का एंगेजमेंट पार्टनर कहलाऊंगा, क्या कहलाऊंगा, एंगेजमेंट पार्टनर कहलाऊंगा, भले ही मैंने अपनी फर्म के बिहाफ पे ऑडिट रिपोर्ट तैयार करी है। साइनिंग किसकी है सर, ऑडिट रिपोर्ट पे साइनिंग किसकी है सर, मेरी है, किसकी है, मेरी है। तो सर मैं क्या कहलाऊंगा, एंगेजमेंट पार्टनर कहलाऊंगा, मतलब मैं ही उस ऑडिट की परफॉर्मेंस के लिए, उस ऑडिट एंगेजमेंट के लिए और उस ऑडिट के लिए क्या होगा, सोलली रिस्पॉन्सिबल। तो मेरा क्या नाम रहेगा, मेरा नाम रहेगा एंगेजमेंट पार्टनर। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी आपको। अब यहां पढ़ो, दोबारा पढ़ो, वो कह रहा है एज पर एसए 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी और ईच ऑडिट एंगेजमेंट टू विच द पार्टनर इज असाइंड। सर पॉइंट क्या आ रहा है कि ऑडिट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑडिट की क्वालिटी को अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है सर, एंगेजमेंट पार्टनर की होती है जो कि उस ऑडिट में असाइंड है। पॉइंट समझ में आया। उसके बाद फिर वो कहते हैं द एक्शंस ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड एप्रोप्रिएट मैसेजेस टू अदर मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑन ऑडिट एंगेजमेंट एम्फसाइज। वो कह रहा है फिर आप देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई, एंगेजमेंट पार्टनर की आ गई। अब एंगेजमेंट पार्टनर के साथ क्या है, ऑडिट टीम है, तो सर वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करेगा, क्या करेगा, काम को डेलीगेट करेगा ऑब्वियसली, और ओवरऑल एंगेजमेंट टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ऑडिट की क्वालिटी को अचीव किया जाए। भले लीडर कौन होगा, लीडर तो सर एंगेजमेंट पार्टनर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी फिर, अब पूरी टीम की होगी, पूरी टीम की होगी। ओके, अब वो बात कहते हैं, दोबारा लाइन पढ़ो, द एक्शंस ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द एप्रोप्रिएट मैसेज टू अदर मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट एम्फसाइजेस। वो कह रहा है कि किस तरीके से हम ऑडिट की क्वालिटी को अचीव करके चलेंगे, उसमें क्या क्या एरिया है जहां पर टारगेट किया जाएगा। वो कहता है द इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, वो कह रहा है इस तरीके से काम करो जो कि सारे के सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हो, आप सारी की सारी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हो। ऑब्वियसली सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑडिट करने के लिए हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किसने इशू करे सर, ICAI ने इशू करे। वो बताते क्या है, वो गाइडलाइंस देते हैं टू द ऑडिटर फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट। तो वो कह रहा है ऑडिट क्वालिटी मेंटेन कैसे करी जाए, उसके लिए सबसे पहली चीज जो भी आप काम कर रहे हो वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो होके होना चाहिए और सारी की सारी रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि जिस भी एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो उस पर लगने वाले लॉज क्या उसको आप प्रॉपरली फॉलो करके चल रहे हो या नहीं करके चल रहे हो। उसके बाद कंप्लाइंग विद फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर एज एप्लीकेबल। कि भाई जो फर्म की क्वालिटी, फर्म ने, सीए फर्म ने अपनी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी बना रखी है, प्रोसीजर बना रखे हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करके चलना। सर बिग फोर में क्वालिटी मेंटेन क्यों होती है, अच्छा बिग फोर का नाम बिग फोर है ही क्यों, जो टॉप सीए टॉप फोर में सीए फर्म्स है उनका टॉप फोर में सीए फर्म्स होने का मतलब बेसिकली उनको बिग फोर कहा क्यों जाता है। सर उनको बिग फोर इस पर्पज से नहीं कहा जाता कि उनके पास बड़े बड़े असाइनमेंट्स हैं, उनके पास बड़ी बड़ी कंपनीज आती है ऑडिट कराने, ये इसका पर्पज नहीं है। ये एक है एरिया, लेकिन सर उससे पहले जो मेन पर्पज बिग फोर कहलाने का है वो है उनकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट मेंटेन रहती है, उनकी क्वालिटी ऑफ ऑडिट मेंटेन रहती है। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज बना रखी है जिसको सारे के सारे एंगेजमेंट पार्टनर, पूरी की पूरी एंगेजमेंट टीम फॉलो करके चलती है। पॉइंट समझ में आया सर, अगर फॉलो नहीं होगा तो क्या होगा, फॉलो नहीं होगा तो वो फर्म एक्शन ले लेगी, वो फर्म एक्शन ले लेगी, पेनल्टीज लगा सकती है, वो कोई लॉ एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन फर्म इंटरनली एक्शन ले सकती है कि वो एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर या टीम के ऊपर कोई पेनल्टीज लगा सकती है, उनको जॉब से निकाल सकती है। तो इसलिए वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। उसके बाद इशूइंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सर ऑडिट क्वालिटी अगर मेंटेन करके चलनी है ना, तो जो सिचुएशन है एक्चुअली में उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट देनी दी जानी चाहिए। देखो जी प्रैक्टिकल सी चीज बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल सी चीज बता रहा हूँ, आज के टाइम में क्या होता है सर, धांधलेबाजी होती है। कैसे धांधलेबाजी होती है कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, अगर मान लो कोई भी पर्सन किसी कंपनी ऑडिट करके आ रहा है तो सर वो क्वालिफाई रिपोर्ट इशू नहीं करेगा। क्यों क्वालिफाई रिपोर्ट इशू नहीं करेगा? क्योंकि कंपनी मना करती है, कंपनी मना करती है, कंपनी कहती है सर क्वालिटी क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट मत दो, एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट मत दो, अनक्वालिफाइड दे दो। और अगर ज्यादा कुछ है तो सर एक एडिशनल पैरा डाल दो। हम पढ़ेंगे जब ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर एक आएगा एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ, वो होता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ एक पॉइंट है वो हाईलाइट करवा दो। वो कह रहे हैं लेकिन क्वालिफाइड मत देना, एडवर्स मत देना। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी वजह से कंपनी के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली बात है सर, अगर आपको किसी कंपनी की क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट मिल रही है या नेगेटिव ऑडिट रिपोर्ट मिल रही है या एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट मिल रही है, तो सर आप क्या उस कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे? आंसर इज नो। शेयर प्राइस क्या होगा? सर शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा, बिल्कुल कंपनी खत्म हो जाएगी मार्केट से। तो इस वजह से कंपनी मना कर दिया। अब बात ही आती है सर ऑडिटर इस चीज को एग्री करेगा क्यों? ऑडिटर इस चीज को एग्री करेगा क्यों? बिकॉज सोच सकते हो सर, आप समझदार हो, बिकॉज ऑफ मनी, पैसे के लिए, पैसे खिला दिए जाते हैं सर। तो इन्हीं कारण की वजह सर बिग फोर है। बिग फोर इसीलिए है क्योंकि सर वहां पर क्वालिटी को बहुत ध्यान दिया जाता है, वहां पर क्वालिटी को बहुत ध्यान दिया जाता है। तो पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं? Issuing audits reports, auditors report that are appropriate in the circumstances. Big four generally जो actually में audit report होनी चाहिए सर वही issue करके देते हैं, चाहे वो qualified हो चाहे वो adverse हो, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। तो सर मान लो client अगली बार से audit ही ना करवाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर big four को। एटलीस्ट big four अपनी quality maintain करके रखेगी तो सर अपने आप ही नए clients आ जाएंगे। प्रैक्टिकल सी चीज आप सब समझते हो सर, अपने प्रोडक्ट की चाहे आप प्रोडक्ट महंगा बेच लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर अगर आपकी क्वालिटी मेंटेन्ड है तो सर आपके पास कस्टमर आएंगे ही आएंगे। एप्पल के प्रोडक्ट्स आते हैं, आईफोन आता है, आईपैड आता है, आईपैड एयर आता है, मतलब कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सिस्टम्स आते हैं। तो सर एप्पल ने अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, चीजें महंगी है लेकिन फिर भी कस्टमर आते हैं, फिर भी वो सेल निकाल जाती है, अपने टारगेट को अचीव कर जाती है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। ऐसे ही बोला जाता है सर कि ऑडिटर को भी अपनी क्वालिटी को, सीए फर्म को भी अपनी क्वालिटी मेंटेन करके चलनी चाहिए हर एक सरकमस्टांस। क्लियर पॉइंट? उसके बाद द एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल्स, द एंगेजमेंट टीम एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल्स। देखो जी जो टीम काम कर रही है, टीम को कोई भी डर नहीं होना चाहिए, टीम के अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर टीम को लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो सर वो सामने निकाल के दे, सामने वो निकाल के दे। अगर ये चार चीजें मेंटेन होती है ना तो सर ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन हो जाती है। तो क्या क्या देखा हमने? पहला पॉइंट देखो जी, मैं इसलिए आपको चीजें डिटेल में करा रहा हूं क्योंकि सर यहां से इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। वो कहेगा कि एज पर एसए 220 हाउ विल ऑडिटर या हाउ विल एंगेजमेंट टीम मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। ये चार पॉइंट आपको बताने। तो पहले पॉइंट हमने क्या देखा? परफॉर्मिंग द वर्क, मतलब काम इस तरीके से करो कि सारे के सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, सारे की सारी रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया। उसके बाद जो फर्म ने अपनी क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी बना रखी है, प्रोसीजर्स पर बना रखे हैं, उनको अप्लाई करके चलेगी टीम। ऑडिट रिपोर्ट उस तरीके से दो जो एक्चुअली में उस सर्कमस्टांस में अप्रोप्रिएट लगती हो। और लास्ट इज कि सर एंगेजमेंट टीम के अंदर कोई भी डर नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर टू रेज द कंसर्न। ठीक है जी। उसके बाद द फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो ये हमने क्या देखा? ये हमने पहला एलिमेंट देखा जिसका नाम था लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। नेक्स्ट एलिमेंट जिसका नाम है एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो क्या कहता है? वो कहता है द ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एंगेजमेंट। वो कह रहा है देखो इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए,
इंडिपेंडेंस मतलब सर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस ना हो जाए वो, या कहीं से भी वो रिलेटेड ना हो, तो सर इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए ताकि वो बायसनेस ना आए, वो अनबायस्ड ओपिनियन दे अपना। वो कह रहा है इसके साथ साथ कुछ और भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको फुलफिल करना होता है। रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑर्डिनरली कंप्राइज द कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स IESBA कोड रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे CA फाइनल लेवल पे, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। अभी तो वैसे ये लेटेस्ट आ गया, 2020 आ गया, रिवाइज हो गया, तो इसके बारे में CA फाइनल में पढ़ेंगे। लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स में कुछ चीजें बता रखी हैं, कुछ क्वालिटीज बता रखी हैं, कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स बता रखी हैं जो कि एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। वो कह रहे हैं द कोड एस्टैब्लिश द फॉलोइंग एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स रेलेवेंट टू द ऑडिटर व्हेन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑडिटर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होनी चाहिए। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब सर फेयर होना चाहिए, वो फेयर ओपिनियन दे, किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, सर अपनी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके चले। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब सर क्लाइंट का कोई भी डेटा लीक ना करे, क्लाइंट का कोई भी डेटा लीक ना करे। जैसे आप ऑडिटर हो सर, तो आपको क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑडिट करते समय, लेकिन सर आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी की, सो दैट आप क्लाइंट का डेटा आगे लीक ना करो। फिर उसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर की, सर ऑडिटर का बिहेवियर भी एक प्रोफेशनल लेवल का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर बदतमीज ऑडिटर है, तमीज नहीं उसे बात करने की, गालियां देता है, तो सर इस टाइप का बिहेवियर नहीं चलता। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करने जा रहे हो, ठीक है आपको ऑर्गेनाइजेशन से डेटा चाहिए, आपको कई बार स्ट्रिक्ट भी होना पड़ सकता है, लेकिन सर आपको फिर भी अपना प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है अगर नहीं दे रहा, क्लाइंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो सर आपके पास हथियार है ना, क्या हथियार है? ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट मेंशन करो, ठीक है जी। उसके बाद तो ये सब क्या है, ये सब एथिकल रिक्वायरमेंट्स है जो कहां लिखी है सर, कोड ऑफ एथिक्स में लिखी है, कोड ऑफ एथिक्स में, जिसको हम बोलते हैं ISBA कोड, ISBA कोड, शॉर्ट में बोलते थे ISBA कोड, IESBA कोड, ठीक है जी। आगे बढ़ो, वो कहता था ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी सब्जेक्ट टू द ऑडिट। ठीक है सर, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट मतलब नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस, सर इन्फ्लुएंस ना हो जाए वो। वो कह रहा है द कोड डिस्क्राइब्स इंडिपेंडेंस एज कंप्राइजिंग बोथ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। वो कह रहा है कोड के अंदर दो तरीके की इंडिपेंडेंस बता रखी है, एक होता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक होता है इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। अभी देखते हैं ये क्या है। फिर वो कहता है द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस सेफगार्ड्स द ऑडिटर्स एबिलिटी टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। ठीक है, वो कह रहा है ऑडिटर इंडिपेंडेंस से ही ऑडिटर एक अच्छी ऑडिट ओपिनियन, एक अच्छा ऑडिट ओपिनियन दे पाता है, वो किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होगा मैनेजमेंट से। इंडिपेंडेंस एनहेंसेस द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट विद इंटीग्रिटी टू बी ऑब्जेक्टिव एंड टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस, दोबारा पढ़ो, इंडिपेंडेंस एनहेंसेस द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट विद इंटीग्रिटी To be objective and to maintain an attitude of professional skepticism. वो कह रहे हैं independence से क्या होगा कि सर auditor integrity maintain कर पाएगा, objectivity maintain कर पाएगा और professional skepticism वाला attitude रख पाएगा। Sir, what do you mean by professional skepticism? इसका मतलब होता है maintain questioning mind,
कॉमा बी अलर्ट टू द सिचुएशंस विच मे इन्वॉल्व मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर्स। ठीक है, वो कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या हुआ। वो कह रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक ऑडिटर का एक ऐसा बिहेवियर है जहां पर सर ऑडिटर के माइंड में, ऑडिटर का जो माइंड होता है वो एक क्वेश्चनिंग माइंड रहेगा, वो हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन चलता रहेगा, वो अलर्ट रहेगा हर सिचुएशन में, जहां उसको लगता है कि सर कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कोई फ्रॉड या एरर हो सकता है, तो सर वहीं पर ही वो क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दे, अलर्ट हो जाए। इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और सर ये बिहेवियर तब आएगा जब ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा। ऑब्वियसली सर अगर आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, मतलब आप किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं हो, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं हो, तो सर हर पॉइंट पे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा है तो क्यों है, प्रूफ करके दिखाओ, ऑडिट एविडेंसेस आप ज्यादा ऑब्टेन कर पाओगे। ठीक है जी, तो ये एक बिहेवियर होता है ऑडिटर को जो मेंटेन करके चलना पड़ता है। उसके बाद इसी के ऊपर एक स्टैंडर्ड भी बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 SQC 1 सेट्स आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर एस्टैब्लिशिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, वो ये क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि SQC 1 में क्या लिखा है, वो कह रहा है SQC 1 में लिखा हुआ है कि सर ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक प्रोसीजर, एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स का एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाए जिसके हिसाब से उनकी जो ऑडिटर की टीम है या उनकी जो ऑडिट की टीम है वो एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पाए। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता है ऐसे 220 सेट्स आउट द एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। ऐसे 220 में लिखा है कि सर एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करके चले। दीज इंक्लूड इवेल्युएटिंग whether the members of the engagement team have complied with the relevant ethical requirement. ये सर ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि क्या उसकी टीम ने भी एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया। ऐसे 220 recognize that the engagement team is entitled to rely on the firm's system in meeting its responsibility with respect to quality control procedure. वो कह रहे हैं ऐसे 220 में ये भी लिखा हुआ है कि engagement team को फर्म के सिस्टम के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा जिसके हिसाब से वो क्वालिटी कंट्रोल को, क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे या क्वालिटी को अचीव कर पाएंगे। ठीक है जी, तो सारी चीजें हम किस रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं सर, ऐसे 220 में कर रहे हैं। आगे बढ़ो, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। सर इसी एरिया से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के ऊपर पढ़ो। वो कहते हैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द प्रोफेशंस बट आर मोर सो इन केस ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन। देखो वैसे तो हर प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन उठा लो, चाहे वो डॉक्टर का उठा लो, चाहे आप इंजीनियर का प्रोफेशन उठा लो, या कोई भी प्रोफेशन उठा लो, वहां पर सर इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है तो सर डॉक्टर भी एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे, भाई जो एक्चुअली में पेशेंट को है वो बताए, एक ऑनेस्ट ओपिनियन उसका होना चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर जो उसके सगे संबंधी है उनका तो वो अच्छे से इलाज कर रहा है, लेकिन जो सर नॉर्मल कस्टमर आ रहे हैं या जिनसे उसको, जिन लोगों को वो पसंद नहीं करता, उनका गलत तरीके से इलाज कर रहा है, सर ऐसे नहीं चलेगा ना। तो वो कहता है कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ये तो सर हर प्रोफेशन में होनी चाहिए, लेकिन सर अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सर यहां पर फ्रॉड होने के चांसेस है, यहां पर पैसे के गमन होने के चांसेस है। फिर वो कहता है इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। ठीक है, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन जजमेंट दे रहा है वो किसी भी तरीके से किसी और पर्सन से इन्फ्लुएंस ना हो जाए, उसकी जो जजमेंट होनी चाहिए वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, वो किसी के भी दबाव में आके जजमेंट नहीं देगा, वो किसी भी के भी दबाव में आके इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि हाँ इस पर्सन ने ऑडिट दिया मेरे को या इस पर्सन ने मुझे असाइनमेंट दिलाया, नहीं सर उससे काम नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है सी एक्स, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है एक्स, ठीक है जी, इसको ऑडिट मिला किस कंपनी का, मान लो एबीसी लिमिटेड का, एबीसी लिमिटेड का ऑडिट मिला, और एबीसी लिमिटेड का ऑडिट उसको किसने दिलवाया, उसको दिलवाया है उसके फ्रेंड है एक वाई, वाई ने दिलवाया,
ठीक है सर। अब वाई ने क्या बोला, वाई ने बोला कि यार एबीसी लिमिटेड एक मेरी जान पहचान की कंपनी है, वो एक ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है, तो तुम इसका ऑडिट कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो सीए एक्स इसका ऑडिट करेगा ना, वो सर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके करेगा, वो किसी भी तरीके से इस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, या उसका जो ओपिनियन है या उसका जो जजमेंट है वो इस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होगा कि मेरे दोस्त ने ऑडिट दिलवाए, मेरे दोस्त ने ऑडिट दिलवाए, उसको बिल्कुल फेयर रहना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आते हैं? फिर वो कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन इंडिपेंडेंस प्रिसाइजली। देखो इंडिपेंडेंस कहीं एक्चुअली में डिफाइंड नहीं है। वो कह रहे हैं रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट डीलिंग विद इंडिपेंडेंस आर फ्रेम्ड प्राइमरीली विद अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, द रूल्स देमसेल्फ कैन नॉट क्रिएट और इंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इज अ कंडीशन ऑफ माइंड एज वेल एज पर्सनल कैरेक्टर, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद सुपरफिशियल एंड विजिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिपेंडेंस विच आर समटाइम्स इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, वो कह रहा है कि सर इंडिपेंडेंस कहीं पर डिफाइंड नहीं है, कहीं पर डिफाइंड नहीं है, और आप जबरदस्ती ये बता भी नहीं सकते कि सर इंडिपेंडेंस ऐसे अचीव करी जाएगी। वो कह रहा है इंडिपेंडेंस तो सर माइंड की कंडीशन है। अब देखो जो एक्स और वाई दोस्त है, अब वो सर एक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करेगा, क्योंकि सर वो एक्स के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक्स वाई से ज्यादा सोचता है, या मतलब वाई उसका बहुत खास होता है, या वाई ने उसे किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रखा है, या दबाव दे रखा है, या कुछ ना कुछ लालच दे रखा है, समझते हो सर लालच, कि सर वाई ने बोला है कि ऐसा होता है। देखो मार्केट में प्रैक्टिकली वाई ने एक्स को बोला कि भैया एबीसी लिमिटेड को ऑडिट कर दो। अब हुआ क्या, अब वाई ने एक्स को बोला कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा फीस दिलवा दूंगा, लेकिन इसका ऑडिट क्लीन करना है तुम्हें। तो सर कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग, कई बार एक्स क्या होगा जो सी एक्स है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, लेकिन सर क्वालिटी इस चीज से मेंटेन नहीं होती है, ये क्वालिटी कंट्रोल के अगेंस्ट है, ये ऐसे 220 के अगेंस्ट है। पॉइंट समझ में आता है? ओके, आगे पढ़ो। वो कह रहा है देयर आर टू इंटरलिंक्ड पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स, वन इज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड सेकंड इज ऑफ इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ठीक है जी, वो कह रहे थे देखो ऐसा अगर प्रिसाइजली हम इंडिपेंडेंस को डिफाइन करना चाहे तो प्रिसाइजली इंडिपेंडेंस कहीं पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन स्टिल वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक होता है इंडिपेंडेंस ऑन इन अपीयरेंस। द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इशूड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट आईफैक डिफाइंस द टर्म इंडिपेंडेंस एज फॉलो। ठीक है जी, आईफैक के बारे में हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसका एक बोर्ड है, क्या नाम है, IAASB, जो कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू करता है। आईफैक का मेंबर कौन है सर? ICAI। वो कह रहा है आईफैक ने कोड ऑफ एथिक्स के अंदर इंडिपेंडेंस को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? वो कहता है सर इंडिपेंडेंस होती है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक होता है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मींस द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट विद इंटीग्रिटी एक्साइज ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है वो स्टेट ऑफ माइंड, वो पोजीशन ऑफ माइंड, जिस पोजीशन ऑफ माइंड की वजह से ऑडिटर इस तरीके से ओपिनियन देगा कि वो किसी से भी इंफ्लुएंस नहीं है। मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड जहां पर ऑडिटर बिना इंफ्लुएंस से या बिना दबाव में आते हुए अपना फेयर ओपिनियन दे रहा है, अपना काम इंटीग्रिटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ और सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला बिहेवियर मेंटेन करके चल रहा है, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट अ थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली कंक्लूड एन ऑडिटर्स इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। मतलब इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, देखो अपीयरेंस का मतलब ये नहीं है कि कपड़े की बात नहीं करा सर, अपीयरेंस का मतलब हो गया कि रिपोर्ट। अपीयरेंस मतलब अच्छा ऑडिटर कैसे दिखता है, ऑडिटर कभी भी अपने कपड़ों से नहीं दिखता, ऑडिटर कैसे दिखता है, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट से दिखता है। तो वो कह रहे हैं अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसे फैक्ट या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपसे स्किप ना हो गई, वो आपसे स्किप ना हो जाए, जिसकी वजह से कोई थर्ड पर्सन ये बोल दे कि भैया ऑडिटर ने ना तो इंटीग्रिटी मेंटेन करी, ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन नहीं करी और ना ही वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन कर पाया। मतलब अगर आपकी रिपोर्ट से
ये पता लग रहा है कि सर ना आप इंटीग्रिटी मेंटेन कर पाए, ना ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर पाए, ना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन कर पाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि सर आप इंडिपेंडेंट, आपकी इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस अचीव नहीं हो पाई। पॉइंट समझ में आता है? सर ऊपर वाले एग्जांपल लेते हैं। ऊपर वाले एग्जांपल में क्या लिखवाया था मैंने? सीए एक्स, वाई उसका दोस्त है। अब मान लो कि सर सीए एक्स ने वाई के दबाव में आके, वाई की दोस्ती के दबाव में आके एवीसी लिमिटेड की अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू कर दी। अनक्वालिफाइड मतलब क्लीन रिपोर्ट की कोई भी कमी नहीं निकाली, जबकि एक्चुअली में सर सामने वाला देखते ही बता देगा कि यार एबीसी में तो गड़बड़ी है, एबीसी में तो गड़बड़ी है। अब देखो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन किसके ऊपर जाएगा? सर क्वेश्चन तो सीए के ऊपर जाएगा ना। क्या क्वेश्चन जाएगा? कि भाई साहब इस बंदे ने ऑडिट किया कैसे, इस बंदे ने ऑडिट किया कैसे? तो थर्ड पार्टी क्या सोचेगी? थर्ड पार्टी ये सोचेगी यार ये तो ऑनेस्ट भी नहीं है, झूठा है ये, ना ये ऑब्जेक्टिविटी है इसके अंदर, मतलब कोई फेयर ओपिनियन नहीं दे सकता, ये तो दबाव में काम करता है, और ना इसके अंदर कोई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला बिहेवियर है। मतलब क्वेश्चनिंग किसके ऊपर आ गई? सर सीए के ऊपर आ गई। इसको बोलते हैं सर इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस को अचीव नहीं कर पाया। पॉइंट समझ में आता है? तो वो कह रहा है कि प्रिसाइजली इंडिपेंडेंस डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम दो पार्ट में बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। दोबारा समझो सर, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ है, क्या होता है कि सर वो स्टेट ऑफ माइंड, वो स्टेट ऑफ माइंड जिसकी वजह से ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस, और ऑडिटर इंटीग्रिटी को, ऑब्जेक्टिविटी को और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन कर पाया। और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ सर? ये वैसा स्टेट है कि जहां पर ऐसा ना हो कि सर कोई थर्ड पार्टी आपकी रिपोर्ट देखते ही ये बता दे कि सर पर्सन ने इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और स्केप्टिसिज्म को मेंटेन नहीं किया। मतलब आपने ऐसे फैक्ट या ऐसे सर्कमस्टांस जो कि इंपॉर्टेंट थे उसको स्किप कर दिया, उसको छोड़ दिया। लाइन पढ़ लो, लाइन से थोड़ा घुमा फिरा के लाइन दे रखी है। वो कह रहा है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट अ थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली कॉन्क्लूड एन ऑडिटर्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मतलब फॉलो नहीं हो पाई। ठीक है जी, उसके बाद वो कहता था इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर हैज नॉट ओनली टू एग्जिस्ट इन द फैक्ट बट ऑल्सो अपियर टू एग्जिस्ट टू ऑल रीजनेबल पर्सन। ठीक है जी, वो ऐसा नहीं कि सर फैक्ट्स में ही होनी चाहिए, सर पर्सन के अंदर खुद भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। आगे बढ़ो। The objective of an audit of financial statement is to enable the auditor to express an opinion on such financial statement. The auditor's opinion helps determination of the true and fair view of the financial position and operating results of the enterprise. ठीक है सर। The user should not assume that auditor's opinion in an assurance as to future viability of the enterprise or the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the enterprise. ठीक है जी, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो यूजर होता है ना, यूजर कभी भी ऑडिट ओपिनियन से ये चीज नहीं एज्यूम कर लेगा कि सर ऑडिट ओपिनियन से एंटरप्राइज की फ्यूचर वायबिलिटी के बारे में पता लगे। भाई ऑडिटर कभी ये नहीं बोलता कि ये आगे काम करेगी या नहीं करेगी, वो तो हिस्टोरिकल डेटा का ऑडिट कर रहा है ना। लॉजिकली सोचो ना भाई, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए हैं, जो तैयार हो गए हैं, जो हिस्टोरिकल डेटा है उसका ऑडिट हो रहा है, वो कभी भी फ्यूचर की प्रेडिक्शन थोड़ी ना करता है। वो ना तो ये बताएगा कि मैनेजमेंट एफिशिएंट है, मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम कर रही है या नहीं कर रही। भैया उसके सामने तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो उनका ऑडिट करके बता रहा है कि ये ठीक है या नहीं, कहीं इन स्टेटमेंट्स के अंदर कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक तरीके से बनाई गई है या नहीं बनेगी। तो ऑडिट इस चीज का हो रहा है। द ऑडिटर वुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन हिज अप्रोच टू प्रोफेशनल वर्क। इसी को बोलते हैं क्या? इंटीग्रिटी। ही मस्ट बी फेयर एंड मस्ट नॉट अलाउ प्री जुडिश और बायस टू ओवरराइड हिज ऑब्जेक्टिविटी। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, कि वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, वो किसी भी तरीके का बायसनेस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ही शुड मेंटेन एन इम्पार्शियल एटीट्यूड, बोथ बी एंड अपीयर टू बी फ्री ऑफ एनी इंटरेस्ट विच माइट बी रिगार्डेड as incompatible with integrity and objectivity. भैया उसका attitude इस तरीके का होना चाहिए, वो कहीं भी partial ना हो जाए,
वो फ्री फ्रॉम एनी इंटरेस्ट, मतलब कोई भी पर्सन उसको इन्फ्लुएंस ना करे, कोई भी लालच ना मिल जाए उसे। मैनी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस मे बी रेलेवेंट एंड अकॉर्डिंगली इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन एवरी सिचुएशन दैट क्रिएट थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस एंड स्पेसिफाई द एप्रोप्रिएट मिटिगेटिंग एक्शन दैट शुड बी टेकन। इन एडिशन द नेचर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट मे डिफर एंड कॉन्सिक्वेंटली डिफरेंट थ्रेट मे एग्जिस्ट रिक्वायरिंग द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट सेफगार्ड्स। ठीक है सर, अगला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थ्रेट्स। वो कह रहे हैं कई सारे थ्रेट्स होते हैं, कई सारे खतरे होते हैं ऑडिट के टाइम पे जो कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर जाते हैं। कौन कौन से वो थ्रेट्स होते हैं और कैसे उन थ्रेट्स को मिटिगेट किया जा सकता है, कैसे उन थ्रेट्स से बचा जा सकता है, ये अब हमारा टॉपिक है। एंड मार्क दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू, वो कई बार पूछ लेगा व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस या व्हाट आर द सेफगार्ड्स टू मिटिगेट द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, वो कह रहे द कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स IASBA कोड ISBA कोड प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट IFAC आइडेंटिफाई फाइव टाइप ऑफ थ्रेट्स। पांच तरीके के थ्रेट होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एक होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एक होता है एडवोकेसी थ्रेट्स, एक होता है इंटीडिमेशन थ्रेट्स और फेमिलियर थ्रेट्स, फेमिलियरिटी थ्रेट्स एंड इंटीडिमेशन थ्रेट्स। हाँ जी, क्या नाम है इनके ये याद करना है आपको, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, फेमिलियरिटी थ्रेट्स और इंटीडिमेशन थ्रेट्स। अब देखो ये क्या है, सबसे पहले बात आती है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स की, पढ़ो। वो कह रहा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट विच अकर व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म इट्स पार्टनर्स और एसोसिएट कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट, एग्जांपल डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट, लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस हेंस कंसर्न्स अबाउट लूजिंग द एंगेजमेंट, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द ऑडिट क्लाइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, कंटिजेंट फीस फॉर ऑडिट एंगेजमेंट। देखो जी, वो कहता है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कौन सा होगा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, मतलब कौन से ऐसे खतरे हैं जो कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला होता है इसमें सेल्फ इंटरेस्ट है, अगर मान लो ऑडिटर का कोई इंटरेस्ट है विद द क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कंपनी एंटिटी जिसको ऑडिट कर रहे हैं, अगर मान लो ऑडिटर का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है विद द क्लाइंट दैट इज नोन एज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ऑडिट फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने शेयर्स ले रखे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया। या फिर आपके फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ सिग्निफिकेंट शेयर होल्ड करती है उस ऑडिट फर्म में, उस क्लाइंट में, तो भी क्या आ गया सर, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया। आपने लोन दे रखे हैं, लोन दे रखा है या लोन ले रखा है फ्रॉम द क्लाइंट, अगर आपको लगता है कि सर क्लाइंट लालच दे रहे कि मैं आपको ज्यादा फीस दूंगा, तो भी सर इंडिपेंडेंस इफेक्ट हो जाएगी। अगर आपका क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट है, मतलब आपको लगता है कि ये क्लाइंट और रेफरेंस दिलवा सकता है या ये क्लाइंट किसी बिजनेस में आपकी मदद कर सकता है, अगर आपको लगता है कि कोई पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आपका फॉर एग्जांपल आपके बच्चों की जॉब लग सकती है उस क्लाइंट के यहां पर, कंटिंजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, कि अगर आपको लगता है कि सर मैं जितना अच्छा ऑडिट परफॉर्म करूंगा, मतलब अगर मैं क्लीन रिपोर्ट दूंगा तो मेरे को ज्यादा फीस मिलेगी, दैट इज नोन एज सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब किसी भी तरीके से अगर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है विद द ऑडिट क्लाइंट तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो क्या क्या एग्जांपल देता है वो कहता है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब आपकी आपका खुद डायरेक्टली इंटरेस्ट है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपने शेयर्स वगैरह ले रखे हैं उस क्लाइंट के, या इनडायरेक्टली सिग्निफिकेंट मतलब आपने किसी फैमिली मेंबर के थ्रू मटेरियल पोर्शन या सिग्निफिकेंट पोर्शन आपने पैसा लगा रखा है विद द क्लाइंट, लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न क्लाइंट, मतलब लोन और गारंटी दे रखी है या लोन और गारंटी ले रखी है फ्रॉम द क्लाइंट, अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट फीस, अगर आप क्लाइंट फीस के बेसिस पे काम करते हो, क्लाइंट ने आपको लालच दे रखा है कि भाई जितना नीट एंड क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दोगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे,
क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द ऑडिट क्लाइंट, अगर आपको लगता है कि भाई आपका कोई और बिजनेस चलता है और आपका बिजनेस रिलेशनशिप है विद द क्लाइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, अगर आपको लगता है कि आप किसी की जॉब लगवा सकते हो, आप किसी अपने फैमिली मेंबर की उस क्लाइंट के यहां पर जॉब लगवा सकते हो, या फिर कंटिंजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, अगर आपको लगता है कि सर क्लाइंट ने प्रेशर डाल दिया कि भाई जितना नीट एंड क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दोगे, जितनी कमियां कम निकालोगे उतनी ज्यादा फीस मिलेगी, तो सब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स। पॉइंट समझ में आते हैं? आगे देखो, सेल्फ रिव्यू थ्रेट में होता है कि मान लो आपने क्लाइंट का ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करने के साथ साथ कोई और काम भी किया, आपने क्लाइंट का ऑडिट सर्विसेज के साथ साथ कोई और काम भी किया, तो उसी काम को आप अपने ही काम में कमियां थोड़ी निकाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ही नहीं उसकी अकाउंटिंग कर रखी है और आप ही ऑडिट कर रहे हो, तो सर आप कमियां थोड़ी ना निकाल दोगे, या आप उसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करते हो और आप ही उसको ऑडिट कर रहे हो, तो सर आप कमियां थोड़ी ना निकाल दोगे। दैट इज नोन एज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। पढ़ो, वो कह रहा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट विच अकर व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन रीच्ड इन द प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। नॉन ऑडिट सर्विस में क्या क्या आता है? इंक्लूड एनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द एंटिटी बाय एन ऑडिटर अदर देन ऑडिट और रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कह रहा है ऑडिट के अलावा या रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कोई और सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, जैसे कि मैनेजमेंट सर्विस, इंटरनल ऑडिट सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सिस्टम एटसेट्रा। वो कह रहा है इस टाइप की अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है तो सर ऑटोमेटिकली एक क्या थ्रेट आ जाता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू मतलब अपने ही काम को रिव्यू करने का थ्रेट। अगर आप अपने ही काम को रिव्यू करोगे तो सर गलतियां तो निकालोगे ही नहीं, ठीक है जी। और व्हेन अ मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम वॉज प्रीवियसली अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। भाई आपके ऑडिट टीम का मेंबर पहले कंपनी में डायरेक्टर था या सीनियर एम्प्लॉय था, तो सर एक तरीके से क्या आता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आता है, क्योंकि आपको काम किस तरीके से चेक करना है तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आती है। इंस्टांसेस वेयर सच थ्रेट मे कम इनटू प्ले आर व्हेन एन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन द डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी एंड व्हेन ऑडिटर परफॉर्म द सर्विसेज दैट आर देमसेल्फ्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑडिट। कि भाई कोई डायरेक्टर है, कोई ऑडिट टीम का मेंबर है या ऑडिटर है, वो पहले कंपनी में डायरेक्टर था या सीनियर ऑफिसर था, या फिर ऑडिटर उन चीजों को ऑडिट कर रहा है जो ऑडिटर ने खुद ही बनाकर दिए मैनेजमेंट को, तो सर वहां पर क्या आ जाता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता है। देखो इन सब थ्रेट्स को हटाने के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर तो प्रोविजन है, कंपनीज एक्ट में जब हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, वहां पर तो ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन बात क्या होती है सर, कंपनी में तो चलो चल जाएगी बात, लेकिन अगर किसी नॉन कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, मैंने आपको ऑडिट की डेफिनेशन में ही बताया था कि हर किसी का ऑडिट हो सकता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो नॉन कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सोल प्रोप्राइटर हो, एनजीओ हो, तो वहां पर ये थ्रेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वहां पर इन थ्रेट्स को मिटिगेट करना पड़ता है, इन सबको हटाना पड़ता है, तभी इंडिपेंडेंस अचीव हो पाएगी ऑडिटर की, ठीक है जी। उसके बाद आता है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट मतलब विच अकर वेन द ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव टू प्रमोट क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर पीपल मे बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी इज बींग कॉम्प्रोमाइज। एग्जाम्पल, वेन एन ऑडिटर डील्स विद शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द ऑडिटेड कंपनी और बिकम्स द क्लाइंट्स एडवोकेट इन लिटिगेशन एंड थर्ड पार्टी डिस्प्यूट, ठीक है जी। वो कह रहा है कि अगर आप क्लाइंट को इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जहां पर आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो सर ऑटोमेटिकली आप ऑडिट में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। जैसे कि मान लो आप कंपनी के शेयर को लिस्ट कराते हो, कंपनी की शेयर्स और सिक्योरिटीज में डील करते हो, तो सर आप कभी भी ये नहीं चाहोगे, भाई आपने शेयर खरीद रखे, आप शेयर्स वगैरह में डील करते हो उस कंपनी के, तो आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि मैं इसकी ऑडिट रिपोर्ट को एडवर्स दे दूं या क्वालिफाई कर दूं, क्योंकि सर शेयर प्राइस अफेक्ट हो जाएगा। या फिर आप क्लाइंट की लिटिगेशन में मदद करते हो, लिटिगेशन मतलब उसके कोर्ट केस दिलवाना, मतलब उसके कोर्ट केस में मदद करना, उसके डिस्प्यूट्स को सेटल कराना, तो आप कभी भी क्लाइंट की खराब पोजीशन तो दिखाओगे ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर आपको लगता है कि सर क्लाइंट का ओपिनियन इस तरीके से देना है कि उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, तो एक थ्रेट आ जाता है, दैट इज नोन एज एडवोकेसी थ्रेट्स। पढ़ो दोबारा, वो कह रहे हैं एडवोकेसी थ्रेट्स विच अकर्स व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट अ क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट वेयर पीपल मे बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। एग्जाम्पल, व्हेन ऑडिटर डील्स विद शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द ऑडिटेड कंपनी और बिकम्स द क्लाइंट्स एडवोकेट इन लिटिगेशन एंड थर्ड पार्टी डिस्प्यूट, ठीक है जी। उसके बाद आता है फेमिलियरिटी थ्रेट्स। फेमिलियरिटी थ्रेट्स में देखो क्या होता है कि
अगर आप लंबे समय से किसी क्लाइंट का ऑडिट करते आ रहे हो, तो सर उसके साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक फैमिलियर रिलेशनशिप बन जाता है। तो सर जितना लंबा समय हो जाएगा ना, उतना ऑडिटर ऑडिटर कमी निकालनी बंद कर देगा क्लाइंट के अंदर, ठीक है जी। इसी रीजन की वजह से सर कंपनीज एक्ट में प्रोविजन एड किया गया रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कि हर 5-5 साल में ऑडिटर को रोटेट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, सो दैट सर ये वाला थ्रेट मिटिगेट होके जा सके। लेकिन सर कंपनीज में तो मैंने बताया ना कि हर थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए प्रोविजंस बना लिए, लेकिन नॉन कंपनी में क्या, नॉन कंपनी में हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम का पार्ट है। तो फैमिलियरिटी थ्रेट्स क्या कहता है, फैमिलियरिटी थ्रेट्स आर सेल्फ एविडेंट एंड ओकर्स एंड अकर व्हेन ऑडिटर्स फॉर्म रिलेशनशिप विद द क्लाइंट वेयर दे एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट। दिस कैन अकर इन मेनी वेज, भाई किस किस तरीके से वो सिंपैथी क्रिएट कर लेगा। क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग ए सीनियर पोजिशन इन द क्लाइंट कंपनी, भाई ऑडिटर का ऑडिट टीम का कोई क्लोज रिश्तेदार क्लाइंट कंपनी में एक सीनियर पोजिशन होल्ड करता है, तो सर एक फैमिली रिलेशनशिप आ गया। उसके बाद फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म बींग डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, भाई जो आपकी टीम जा रही है या जो ऑडिटर जा रहा है क्लाइंट के यहां पर, जो डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर बैठा है वो पहले ऑडिटर का एक पार्टनर था, तो सर ऑटोमेटिकली वहां पर एक फैमिलियरिटी वाला लिंकेज आ गया। लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर्स एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटर पार्ट्स, भाई लंबी समय से ऑडिट चलता आ रहा है, लंबे समय से आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते आ रहे हो, वहां पर ही आ जाएगा खतरा। और एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम क्लाइंट कंपनी इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय, भाई जो कंपनी है वो आपको कई सारे गिफ्ट्स देके जाती है, कई सारी अच्छी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया है। देखो ऐसा होता है प्रैक्टिकली कि जो कंपनीज होती है उनको पता है कि भाई इस पर्सन ने ऑडिट करना है, तो वो उसको अच्छे अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट्स देगी, उसको बाहर घुमाने लेके जाएगी, या ऑडिट के टाइम पे उसको 5-स्टार होटल की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो सर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना बंद कर देता है, एक फैमिलियरिटी थ्रेट आने लग जाता है, ठीक है जी। वो कह रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल को अचीव करना है तो ये सारे थ्रेट्स खत्म हो जाने चाहिए। और लास्ट इज योर इंटीडिमेशन थ्रेट्स, वो कह रहे हैं इंटीडिमेशन थ्रेट्स का मतलब क्या होता है कि अगर ऑडिटर के मन में ही खतरा है कि भाई ये मेरा एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट है या मेरा एक सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके पास 10 क्लाइंट्स है, 10 ऑडिट क्लाइंट्स है, और 10 में से मान लो 9 बंदों से तो वो 1 लाख रुपए हर साल की ऑडिट फीस लेता है, तो 9 लाख रुपए तो ये हो गए, और एक जो क्लाइंट है उसका वो उसे 5 लाख रुपए की फीस देता है, टोटल कितना हो गया 14 लाख रुपीज, कि 14 लाख रुपीज की ऑडिट फीस उसे पूरे साल में मिलती है, 10 ही क्लाइंट है। अब मुझे ये बताओ कि सर इन 9 को तो छोड़ दो, मुझे ये बताओ क्या यहां पर इस क्लाइंट के लिए, क्या ऑडिटर इस क्लाइंट के लिए इंडिपेंडेंट हो पाएगा, क्या ऑडिटर इस क्लाइंट के लिए इंडिपेंडेंट हो पाएगा, इंडिपेंडेंस को अचीव कर पाएगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं अचीव कर पाएगा? क्योंकि सर उसके मन में डर आ जाएगा कि भाई ऐसा ना हो जाए कि मैं इसकी कमी निकाल दूं, या इसकी ऑडिट रिपोर्ट को ठीक तरीके, मतलब इसके एक्चुअल पोजीशन को सामने ले आऊं, या इसके जो सर्कमस्टांसेस, मतलब एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट दे दूं, तो ये क्लाइंट ना हाथ से चला जाए, क्योंकि ये क्या है सर, मेजर रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम है, भाई 14 लाख में से 5 लाख तो एक ही क्लाइंट से आ रहे हैं ना, तो ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज हो जाती है। देखो क्या कहता है वो, इंटीडिमेशन थ्रेट्स विच अकर व्हेन ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद अ एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वो कह रहा है कि ना तो वो ऑब्जेक्टिविटी को अटेन कर पा रहा, ना वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अटेन कर पा रहा। बेसिकली दीज कुड हैपन बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रेशर टू डिसप्रोपोर्शनेटली रिड्यूस वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस्ड ऑडिट फीस, भाई जहां पर उसे लगता है कि भाई मैं अगर क्लाइंट से कॉन्ट्राडिक्ट करके काम करूंगा तो फीस जा सकती है, क्लाइंट जा सकता है, और या फिर उसको लगता है कि भाई क्लाइंट ने इतनी कम फीस रिड्यूस कर दी है, इतनी ज्यादा फीस कम कर दी है कि मुझे अपना भी काम कम करना पड़ेगा, तो सर ये खतरा आ गया, ठीक क्वालिटी ऑडिट नहीं हो पाएगा। तो वो ये कहता है कि इंडिपेंडेंस के अंदर कई सारे 5 तरीके के खतरे आते हैं, वो 5 तरीके के खतरे कौन कौन से हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट्स, और लास्ट इज योर इंटीडिमेशन थ्रेट। क्लियर है पॉइंट?
ये पांचों थ्रेड, इनका क्वेश्चन आ जाता है, याद कर लेना ये सारे। उसके बाद आता है सेफगार्ड्स टू द इंडिपेंडेंस। अब बताओ कि सर इन थ्रेड्स को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। वो कहता है द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन इंडिपेंडेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कॉन्टेक्स्ट इन विच दे प्रैक्टिस द थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस एंड द सेफगार्ड्स अवेलेबल टू एलिमिनेट द थ्रेड। दे आर फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि सर व्हाट आर द सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कहीं भी कभी भी अगर क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा आपको देखो, आप एक प्रोफेशनल एग्जाम लिखने जा रहे हो, आप 11 12 बीकॉम के एग्जाम नहीं लिख रहे हो, प्रोफेशनल एग्जाम लिखने जा रहे हो, तो सर प्रोफेशनल एग्जाम में आंसर देने के तरीके होते हैं। अगर आपके पास जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो पहले दो तीन लाइन उस टॉपिक के बारे में जरूर बतानी है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, तो सर पहले इंडिपेंडेंस के बारे में बता दो, थ्रेट्स के बारे में बता दो, फिर सेफगार्ड्स पे आओ। ऐसा नहीं कि सीधा सेफगार्ड्स है, ये सब पॉइंट्स है, सर मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे, ठीक है जी। वो कहता है फॉलोइंग आर द गाइडिंग प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड। पहला पॉइंट, फॉर द पब्लिक टू हैव कॉन्फिडेंस इन द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, इट इज एसेंशियल दैट ऑडिटर्स शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज दैट दे आर ऑडिटिंग। भाई देखो, लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करना है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट अचीव करना है, तो इसके केस में क्या करना पड़ेगा ऑडिटर को, सबसे पहले तो सर इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, कि भाई उस सामने वाले को ये लगना चाहिए, भाई थर्ड पार्टी को ये लगना चाहिए कि ये पर्सन जो ऑडिट कर रहा है ना, वो इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आते हैं भाई, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मैं एबीसी लिमिटेड को ऑडिट करने जा रहा हूं, और आपको पता है कि सर एबीसी लिमिटेड जो है ना, वहां पर जो डायरेक्टर बैठा है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, तो सर आपके दिमाग में क्या पिक्चर आएगी, आपके दिमाग में यही तो पिक्चर आएगी ना कि सर मैं एबीसी लिमिटेड का ठीक से ऑडिट नहीं करूंगा, चाहे मैं कर भी दूं उसका अच्छा ऑडिट, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, चाहे मैं उसका अच्छा ऑडिट कर भी दूं, चाहे मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर कर भी दूं, लेकिन तब भी आपके माइंड में यही पिक्चर आएगी कि सर वरुण एबीसी लिमिटेड का अच्छा ऑडिट कैसे कर सकता है, क्योंकि वहां तो उसका दोस्त है, वो कमियां थोड़ी ना निकाल देगा। तो सर मेरे को कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा कि मैं आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस अचीव कर पाऊं कि मैंने क्वालिटी ऑडिट किया है। तो सर कॉन्फिडेंस अचीव करने का तरीका यही है कि मैं उस क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट ही ना करूं। बात समझ में आती है, आगे बढ़ो। फिर वो कहते हैं इन द केस ऑफ ऑडिट द की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म विच नेसेसरीली रिक्वायर द ऑडिटर टू बी इंडिपेंडेंट। कि भाई ये प्रिंसिपल जो की फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो सर ये सब चीजें तो अचीव हो जानी चाहिए। उसके बाद बिफोर टेकिंग ऑन एनी वर्क एन ऑडिटर मस्ट कंसाइंटिवसली कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व थ्रेट्स टू हिज इंडिपेंडेंस। भाई कोई भी काम लेने से पहले पहले ऑडिटर को ये पांचों के पांचों थ्रेट्स चेक करने पड़ेंगे, कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है। कौन कौन से पांच सर? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटीडिमेशन थ्रेट। तो पांचों थ्रेट पहले ऑडिटर चेक कर लेगा कि भाई इस असाइनमेंट में किसी भी तरीके का कोई खतरा तो नहीं है। व्हेन सच थ्रेट एग्जिस्ट द ऑडिटर शुड आइदर डिसिस्ट फ्रॉम द टास्क और पुट इन प्लेस सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट दैट। भाई अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई खतरा आ गया है सामने, तो सर या तो उस टास्क को मना कर दे या फिर कुछ ऐसा तरीका अपनाए कि वो खतरा ही कम हो जाए, खतरा ही खत्म हो जाए। जैसे कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने एक कंपनी को ऑडिट करना है और उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, शेयर्स खरीद रखे हैं, तो सर मुझे पता है कि सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इन्वॉल्व है। अब या तो मैं उस कंपनी को ऑडिट ना करूं, या अगर मैं ऑडिट करना चाहता हूं तो सर शेयर को मैं बेच दूं, शेयर को मैं बेच दूं, अगर मैं बेच दूंगा तो सर मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, या मेरी वाइफ ने कोई मेजर पोर्शन होल्ड कर रखा है एबीसी लिमिटेड में, तो मैं क्या करूं, या तो मैं उस क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करूं, या फिर मैं अपनी वाइफ के शेयर्स को भी क्या, वाइफ को भी क्या बोलूंगी, इन शेयर्स को बेच दो, ठीक है जी। उसके बाद इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फुली इंप्लीमेंट क्रेडिबल एंड एडिक्वेट सेफगार्ड्स देन ही मस्ट नॉट एक्सेप्ट द वर्क। भाई अगर ऑडिटर प्रॉपर तरीके से सेफगार्ड्स को नहीं लगा पाता, तो उसको वो काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पॉइंट समझ में आता है? तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफगार्ड्स टू एलिमिनेट, सेफगार्ड्स टू अचीव द इंडिपेंडेंस। चलो तो
अब ये सेकंड एलिमेंट में से, अच्छा हमारा एलिमेंट कौन सा चल रहा है, अगर मैं मेजर एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट चल रहा है हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या चल रहा है जी? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? क्वालिटी कंट्रोल के कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। उसमें से हमारा कौन सा चल रहा है अब? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। इसका लास्ट टॉपिक है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो इसको मैंने आपको वैसे बता दिया है, इसको रीड कर लेते हैं। दिस यू हैव टू लर्न, ये लर्न कर लेना डेफिनेशन। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रेफर्स टू एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन विच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। भाई क्वेश्चनिंग माइंड होना, हर चीज में अलर्ट हो जाना, जहां पर ऑडिटर को लगता है कि भाई कोई मिसस्टेटमेंट आ सकती है, कोई एरर या फ्रॉड की वजह से कोई मिसस्टेटमेंट आ सकती है, तो वहां पर अलर्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये एक ऑडिटर का एटीट्यूड होता है। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, पढ़ो। वो कहता था ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, रिकॉग्नाइजिंग दैट सर्कमस्टांसेस मे एग्जिस्ट दैट कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियल मिसस्टेटेड। ठीक है जी, ये पॉइंट या दिस ये क्वेश्चन बनेगा यहां से अगर बनेगा तो। वो कह रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, किस किस चीजों के लिए अलर्ट होना है? ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स द एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। कि भाई आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, और मतलब दो तीन तरीके के ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे, और सर सारे आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, सारे आपस में क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो वहां पर क्वेश्चनिंग माइंड आ जाएगा। जैसे कि मान लो एंटिटी ने एक सप्लायर के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, सप्लायर के साथ एक एग्रीमेंट कर रखा है कि भाई मेरे को हर महीने 25 केजी मटेरियल दे दिया करो, हर महीने 25 केजी मटेरियल दे दिया करो एट द रेट ऑफ रुपीज जो भी है, एट द रेट ऑफ रुपीज जो भी अमाउंट है, मतलब 1-1 लाख रुपए का मटेरियल हर महीने सप्लाई कर दिया करो। लेकिन ऑडिटर ने क्या देखा कि भैया हर महीने 1-1 लाख का तो नहीं, कभी 5 लाख का मटेरियल आ रहा है, कभी 10 लाख का मटेरियल आ रहा है, कभी 7 लाख का मटेरियल आ रहा है, तो सर क्या होगा? क्वेश्चनिंग माइंड आ जाएगा। क्योंकि सर क्लाइंट ने क्या करा, क्लाइंट ने परचेज बिल दे दिए जो एक्चुअल है, और एग्रीमेंट भी दे दिया, तो सर ये आपस में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चनिंग तो माइंड आएगा ही कि ऐसा ये गड़बड़ी हो रही है तो क्यों हो रही है, व्हाई दीज आर मिसमैचिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्स टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड इन ऑडिट एविडेंस। कि भाई अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई कोई डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है, या कोई ऑडिट एविडेंस पे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा, तो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, भाई अगर लगता है कि भाई फ्रॉड होने की कंडीशन आ गई है सामने, तो सर उस पर भी अलर्ट होना है। सर्कमस्टांसिस दैट सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसेस। भाई अगर ऑडिटर को लगता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर ऑडिट प्रोसीजर और बढ़ाने पड़ेंगे, तो सिचुएशन अलर्ट वाली है। मतलब ये वो बता रहा है कि कहां कहां पर ऑडिटर को अलर्ट होना चाहिए। मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी इफ द ऑडिट इज इफ द ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, ओवर जनरलाइजिंग, ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन, यूजिंग इन अप्रोप्रिएट अजम्पशन इन डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट थेरऑफ। देखो ये चीज को हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ ये समझ लो भी कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करने के लिए, मतलब मेंटेन करना थ्रू आउट द ऑडिट जरूरी है, भले ही ऑडिट रिस्क मिनिमाइज क्यों ना हो जाए, तब भी सर पूरे टाइम पे क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बिहेवियर को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब इसको रीड करने था लास्ट में, वो कह रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज नेसेसरी टू क्रिटिकली असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ सफिशियंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस obtained in the light of circumstance. For example, in case where fraud risk factor exists and a single document of a nature that is susceptible to fraud is the sole supporting evidence of the material financial statement amount. भाई अगर आपको लगता है कि भाई फ्रॉड हो रहा है और उसके अगेंस्ट आपको जो एविडेंस मिला है वो सिंगल एविडेंस मिला है, और मैनेजमेंट कहती है कि भैया यही एक एविडेंस है जिसके बेस पर आपको डिसीजन लेना है, तो सर अलर्टनेस तो आनी पड़ेगी ना, अलर्टनेस तो लानी पड़ेगी। The auditor may accept records and documents as genuine unless the auditor has reason to believe the contrary. भाई जो भी उसके पास records और documents आएंगे, auditor उसको genuine ही मानेगा जब तक auditor के पास एक valid reason ना हो ये बोलने के लिए कि भाई ये गलत है। देखो क्या होता है,
हम ऑडिट करने जाते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट, इन्वेस्टिगेटर और ऑडिटर के नेचर में बहुत फर्क होता है। जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है कि भैया सब कुछ गलत है। ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है कि सब कुछ गलत है, एवरीथिंग इज रॉन्ग। वो मैनेजमेंट से बोलता है कि मेरी तरफ से सब कुछ गलत है, आप ठीक प्रूफ करके दिखा दो, आप ठीक प्रूफ करके दिखा दो। लेकिन सर ऑडिटर का बिहेवियर अलग होता है। ऑडिटर कभी ये नहीं बोलता कि सब कुछ गलत है, वो इस बिहेवियर से जाता है कि सब कुछ ठीक है, और फिर वो उस ठीक चीजों में कमियां निकालता है और बोलता है कि भाई सब कुछ ठीक है, ये गलत है। तो वो मैनेजमेंट से डिस्कस करता है कि यहां मुझे गड़बड़ी लग रही है, इसको प्रूव कर दो। पॉइंट समझ में आते हैं? तो ऑडिटर, जब तक ऑडिटर को एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिल जाता कि भाई डॉक्यूमेंट गलत है, तब तक वो उसको गलत नहीं ठहराएगा, वो जेन्युइन मान के चलता है। फिर वो कहता है, नेवरदलेस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस इन केस ऑफ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल फ्रॉड। द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिक्वायर दैट द ऑडिटर इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड डिटरमाइनिंग व्हाट मॉडिफिकेशन और एडिशंस टू ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू रिजॉल्व द मैटर। भाई जहां पर ऑडिटर के सामने डाउट आ गया कि भैया फ्रॉड है, फ्रॉड होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, वहां पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगाकर ऑडिटर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा देगा टू रिजॉल्व द मैटर। द ऑडिटर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिसरिगार्ड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ एंटिटीज मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। नेवर्थलेस ही बिलीव अ बिलीव दैट मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस को हम टीसीडब्ल्यूजी बोलेंगे। टीसीडब्ल्यूजी दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, यहां पर सीईओज आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, आर ऑनेस्ट एंड हैव इंटीग्रिटी डज नॉट रिलीव द ऑडिटर ऑफ नीड टू मेंटेन द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। देखो वो कहता है कि ऑडिटर हमेशा ही मान के चलेगा कि जो मैनेजमेंट है वो टीसीडब्ल्यूजी है। मैनेजमेंट मतलब नॉर्मल मैनेजमेंट जिसमें लोअर मिडिल आती है, और टीसीडब्ल्यूजी में तो सर टॉप लेवल के बंदे आ जाते हैं, सीईओ सीएफओज वगैरह एमडीज वगैरह। ऑडिटर हमेशा ये मान के चलेगा कि जो मैनेजमेंट जो टीसीडब्ल्यूजी है वो ऑनेस्ट है। और फिर वो कहता है कि भले ही अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑनेस्ट है भी, अगर आपको लग रहा है कि ऑनेस्ट है, तब भी आपको अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बिहेवियर को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। भाई आपको लगता है कि ये जो मैनेजमेंट है, ये जो स्टाफ है, ये तो बिल्कुल सच्चाई का पुतला है, ऑनेस्ट है बिल्कुल, यहां पर तो कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, फिर भी एज अ ऑडिटर आपको अपने माइंड में, अपने माइंड को क्वेश्चनिंग माइंड रखना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आता है? दिस इज नोन एज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अभी मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। अच्छा आज हमने एक एसे सीखा, एसे 220, क्या नाम है इसका, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा इस चैप्टर में, चैप्टर वन में हमने बोला कि सर वैसे ये कोई बाइफर्केशन नहीं है, लेकिन सर मैंने बाइफर्केशन कर रखी है 50% एरिया और 50% एरिया, ये मैंने क्यों क्वेश्चन बेसिस पर बाइफर्केशन कर रखी है। सर एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। 50% एरिया में हमने क्या देखा, यहां पर हमने देखा मीनिंग ऑफ ऑडिट, बताइए थोड़ा सा फास्ट फास्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक हमने क्वेश्चन देखा था, क्या क्वेश्चन देखा था, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, तो ऑडिटर इस चीज को कैसे एंश्योर करके चलेगा। उसके बाद हमने देखा था एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट, फिर हमने देखा था स्कोप ऑफ ऑडिट, मतलब ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑडिट, फिर हमने देखा था इनहेरेंट लिमिटेशंस, और हमने क्या क्या देखा, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर देखा, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद डिफरेंट डिसिप्लिन्स। आई थिंक यही सारे टॉपिक्स हमने देखे थे, एक आध मेरे अगर कोई रह गया तो इतना वो मत रखना, आई थिंक सारे हो ही गए। ठीक है जी, उसके बाद 50% एरिया जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, यहां पर आता है सर एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे 220।
यहां पर कितने एलिमेंट्स आते हैं? पांच एलिमेंट्स, जैसे कि लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट्स एंगेजमेंट, एंगेजमेंट नहीं, क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मॉनिटरिंग, और एक आ जाएगा हमारे पास एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। ठीक है जी, तो ये छह एलिमेंट्स है हमारे पास। तो इनमें से हमने पहला देखा डिटेल में कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, भाई किसका, यहां पर हमने एक टर्म से की एंगेजमेंट पार्टनर की। उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट देखा हमने डिटेल में, ये थोड़ा बड़ा था। एथिकल रिक्वायरमेंट में यहां पर हमने IEASBA कोड, ISBA कोड सीखा, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स देखे। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंस के ऊपर देखा कि इंडिपेंडेंस क्या है। फिर उसके बाद हमने थ्रेट्स देखे, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या है। फिर हमने सेफगार्ड्स देखे, फिर हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म देखा। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर कवर करी, और ये चार अभी हमारे पेंडिंग है। ठीक है जी, चलो तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जितना कराया है उसको रीड करके शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, पुराना रिवाइज करते रहना। ठीक है जी, मजा आता रहेगा। जिस तरीके से अभी इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट डेवलप होता ही चला जाएगा। क्लियर, चलो फिर कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।